जवद्दी कला जी टकसाल के मुखी और बानी जिन्हां दी पवित्र याद विच सारे आप गुरु महाराज के चरणों च जुड़े हो संसार की रचना की बाबत सतगुरु जी का वचन साधो रचना राम बनाई एक बिनस है एक आश्चर माना है अचरज लख्यो न जाई ज्यों सुपनार पेकना ऐसे जग को जान इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान जो उपजो सो बिनत है करो आज कै काल नानक हर गुण गाय लै छाड़ सगल दिन जाल जो जन्मे सो जानो मुआ शरीर करके जो संसार बचाया है चाहे कोई आम दुनियावी बंदा है चाहे कोई महापुरुष है चाहे कोई अवतारी पुरुष है चाहे गुरु पीर आया पर शरीर करके वो संसार विच ना रहे मृत मंडल जग साजिया ज्यों बालू घर वार बिनसत वार ना ला गई ज्यों कागद गूंदार सुन मेरी मनसा मने माहे सत देख विचार सिद्ध साधक गिरही जोगी तज गए घर वार जैसा सुपना रहन का तैसा संसार दिष्ट मान सब बिनती है क्या लगे गवार कहाँ तो भाई नीत है देख नैन पसार एक चाले एक चाल है सब अपनी बार जिन पूरा सतगुर सेविया से अस्त्र हर द्वार जन नान खरका दास है रात पैज मुरार शरीर करके जो संसार विच आया शरीर करके संसार विच नहीं रहेगा जाना वश है हर एक ने मरना है बल्कि इसों तक वचन सतगुरु जी का मरण लिखाए मंडल में आए मौत का दिन वाहगुरु ने पहला मुकर्र कर दिता बाद विच इस जीव का संसार विच आना होया वो समा लंघता नहीं चलता नहीं उस समय ने हर एक ते आना है मौत अवश्य है अटल सच्चाई है हर एक नू आवेगी पर गुरमुखां दी मौत दा ते आम दुनिया दुनियावी लोगों की मौत का जमीन समान का फर्क है सत्संग गुरमुखां दी मौत जिहड़ी है उन्होंने मौत नू समझ लिया उन्होंने वास्ते आनंद रूप है गुरमुख कहते ने कबीर साहब जी का वचन कबीर जिस मरने से जग डरै मेरा मन आनंद भाई जिहड़ी मौत तो सारा संसार डरता है और तरा तरा करता है ये मरना जग सब जग तरासया सो मरना गुर शब्द प्रगासया जिस मरने से जग डरै मेरा मन आनंद भाई मैनू वो मौत का आनंद है ओ महापुरुष जिन्हों तो कृपा हुई संत बाबा सुच्चा सिंह जी नूं दो ढाई महीने पहला समा मिलिया गुरु ने बख्शिश की और दो तीन घंटे विचारां होईयां महापुरशां दे नाल दो तीन घंटे विच उन्होंने इहो ही वचन किए भी धन सन महापुरश राड़ा साहब वाले और वह जग्यासु के अंदरली भावना पहचानते सन भी ये कमाई करने वाला पुरुष है उन्हें प्यार के बचन और रास्ता दसते सन जिमें जिमें उन्होंने युक्तियां समझाइया वह सारे बचन हुए सत्संग तो आओ कह भाव जदों गुरमुख की अवस्था हो जाती है मौत तो उच्चा हो जाता है प्रभु कह सिमरन काल पर हरै कहत कबीर कबीर साहब जी का वचन है जो जीवत बंधन तोड़े हुणे वचन सुनिया सी शब्द सुनिया सी जो जिउंदा जी बंधना नूं तोड़ दिंदा है उहदे वास्ते सत्संग मौत कुछ नहीं उहदे वास्ते मौत एक तब्दीली है एक चेंज है जो वाहिगुरु की खेड इहदे आसरे चल रही है जमण मरना हुक्म है भाणै आवै जाए संजोग वियोग कोई कार चलावै लेखे आवै भाग संजोग हो जाना शरीर दे विच आ जाना वियोग हो जाना शरीर तो आत्मा का विछड़ जाना
पंजा तत्तां दे शरीर तो आत्मा का अलहदा हो जाना यह मौत है। पर गुरमुख जन वो मौत तो घबराते नहीं, वह कहते ने वड्डे महाराज के बचन इंग्लैंड हर रोज करया करते भाई दुनिया के लोग जिमें ब्याह में उड़ीकते ने सानू सौ गुणा चा अपनी मौत का है। उन्होंने मौत का चा क्यों है? दरअसल उन्होंने मौत जी है जी दुनिया की मौत है उही जी मौत उन्होंने नहीं आती। जिस तरह बिल्ली का सुभा है अपने बच्चों सत देहलियां टपादी है कि साधन है सात संगत सिर्फ दंद ही हैं मूँह नाल ही चकती है बच्चों पर आंच नहीं लगन दिंदी। उसे मूँह के नाल चूहे की की हालत करती है? दुनिया वास्ते मौत इस तरह जिस तरह बिल्ली चूहे की हालत करती है। मानस बपरा मूसा कीनो मीच बलैया खई है रे। पर गुरमुखा वास्ते मौत इस तरह जिस तरह बिल्ली अपने बच्चों आँच नहीं लगन दी। उन्होंने वास्ते मृत्यु नहीं, उन्होंने वास्ते अमृत बन गई वो मौत। जा ये कह लो जिन्हें इतने तैयारी की नहीं मौत की तो उ डरदा सात संगत जिहड़ा एक महल नूं छड़ के अगे छपरी भी नहीं जिन्हों आस भी मिल जाएगी तो वह डरेगा। पर जिन्हें इतने छपरी नूं छड़ के महलों में जाना है तो वह क्यों डरेगा मौत को? सूख महल जाके ऊंच द्वारे ता मैं वस है भगत प्यारे सहज कथा प्रभु की अत मीठी विरले काहू नेत्रों दीठी तै गीत नाल अखारे संगा ऊहां संत करै हर रंगा तै मरण न जीवन सोग न हरखा साच नाम की अमृत वरखा गोहज कथा ए गुरते जानी नानक बोलै हर हर बाणी। सोना दी वासा कबीर साहब जी एक वचन लिखते हैं जा तू आया जगत मैं बाणी तो बाहर की गल है ये बाणी की नहीं। कबीर जा तू आया जगत मैं जग हसे तुम रोए। जदों बंदा जन्म लैंदा है ये बच्चा रोंदा है। रोण का कारण भी भाई साहब गुरदास जी लिखते हैं रोग है रतन गवायक है माया मोह अंधेर गवारा ओ रोवै दुख अपना हस हस गावै सब परवारा। हर बच्चा रोंदा है कि गुरु नानक सन तुलसादासी हैरान होगी भी ये हसदे आए ने बाकी ये प्रतीक सी भी दुनिया नूं हासे वंडन वास्ते आए हैं ने हर बच्चा रोंदा है। तो कबीर साहब जी कहिंदे संसार विच आया तो दुनिया बड़ी खुश होई वधाइयां दित्तियां गईयां पर तू रोंदा सी। पर ऐसी करनी कर चलो प्यारे प्यारे तू ऐसी करनी करके जा तू हसे जग रोए तू हसदा होया आनंद सहज संसार विचों जावें ये कह दवे उची बाँह करके कबीर मोहे मरने का चाओ है। मरो तो हर कह द्वार मत हर पूछे कौन है परा हमारा बार। ये महाराज जी के वचन जो पढ़ते संतारना पढ़िए ते समाप्ति करिए। जेड़ी मौत तो डरे Thank you.
गुण परमानंद यह महापुरुषों की अवस्था गुरमुख लाहा लाए गए मनमुख चले मूल गवाए जियो। गुरमुख जिंदगी विच लाहा लैके सौरे जन्म सफला करके जाते ने। गुरमुख जाना सवार दर कह चलिया सच्ची दर कह जाए सच्चा फिर मल्या सतगुरु अगे अरदास करिए सच्चे पातशाह जो महापुरशां दे फुरने सन ओ जो उन्हां दी सोच सी उच्ची ते सच्ची गुरमत वाली कितना संगतां नूं लाभ होया उन्होंने शरीर तो और कत्ती रागों का जो कदुती समागम इतने बड़े उन्होंने किए और संगीत सम्मेलन कराए और संसार सिख संगत जगत को गुरमत के नाल जोड़िया। सतसंग बड़े बड़े समागम का मतलब यही होंगे कि सानू अपने आपे की सोच ही आ जाए गुरमत का पता लग जाए हकीकत की है असं कितने खड़े हाँ। सो ये महान उन्होंने संसार में देन जो उन्होंने पुरने अजे साकार नहीं सन होए मन में पुरने बड़े उच्चे होंगे ने महात्मा के बहुत कुछ संसार में देना चाहते हैं। गुरु कृपा करे संस्था इस तरह जवादी कला की जो टकसाल है गुरु कृपा के नाल उन्होंने पाए हुए पूर्णिया से चल के दो दुगुनी और दिन दुगुनी रात चौगुनी इस तरह तरक्की करके संसार दे विच एक चानल बनाने का वाकई ये ज्ञान जिथों मिलता सतसंगत एदू वड्डा होर समुंदर केड़ा है जिथों सारी तरह का ज्ञान मिले। तो अरदास है सच्चे पातशाह हर गुरमाता इतों सिधान संसार में प्राप्त होवे जिदे नाल कि सानू सेध मिले संसार में सेध मिले पाउण वालियां जो पीढ़ियां हन वो गुरमत नाल जुड़न अपना जन सफला करन लोग सुखी पर लोग फेला हो जाए बोल जा तो गलती हो जाती है संगत है गुरु सरू भाई बख्श देना है। और यहोजे महापुर जदों संसार विचों जाते ने घाटा बहुत पै जाता है पर गुरु के हुक्म दे विच खेड़ है सतसंग उहदे अगे कोई जोर नहीं जिवें उहनूं भाउंदा है वह चंगा ही है जो तुध भाव है साई भली गार तू सदा सलाम निरंकार ओदे हुक्म अगे कोई जोर नहीं है। आओ समाप्ति करिए फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी के दर्शन करेंगे आओ बड़े प्यार।